तो हो गया रट्टा। रट्टा होने के बाद अब ये डायग्राम देखो, इतनी बेहतरीन डायग्राम आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी डिटेल। तो ड्रॉ करते वक्त जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट, सिलेक्ट अ पिक व्हेन आई एम नॉट इंटरफियरिंग एंड मैग्निफाई करके ईच एंड एवरी डिटेल अच्छे से देखो, राइट। सी दिस इज अ सेल इन इंटरफेस। ओके, हमने सीक्वेंस तो लर्न किया ही है। इंटरफेस स्टार्ट विथ जीवन। देखो सेल का जीवन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, राइट। ओके, इसको लेबल कर सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, राइट। इट इज हैविंग इवन न्यूक्लियर पोर, सॉर्ट ऑफ। ये जीवन का सेल है। जीवन में खुद की ग्रोथ हो गई। सेल ने चेक पॉइंट पर डिसाइड किया डिवीजन के लिए जाना है। एस फेज में क्रोमैटिन कंटेंट, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। सो इन सेम न्यूक्लियस डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इज एडेड, सो ऑब्वियसली दिस इज डबल इन साइज इन एस एंड जी टू फेज, राइट। ओके, सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरफेस इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, बिगर इन साइज विथ डेंसर साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म डेंसिटी इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज इट हैज सिंथेसाइज न्यू ऑर्गेनेल इवन इन जी टू फेज। जी टू में और ऑर्गेनेल बनेंगे, तो एस और जी टू में हमको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखेगा, जी टू में हमको साइटोप्लाज्म डेंस दिखाई देगा। सेल इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर सेल डिविजन, एंटरिंग इन एम फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, विच अकर इन फोर स्टेप, प्रो मेटा एनाटेलो। प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इन टू अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। इट इज देयर इन एनसीईआरटी, टाइटल्स आर नॉट गिवन बट द इंफॉर्मेशन इज देयर। हमको स्टेट बोर्ड को लेकर भी चलना है। तो प्रोफेज इज डिवाइडेड इन टू अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लुक एट द डायग्राम केयरफुली। एज आई सेड, दिस आर अवनी मैम्स डायग्राम, वेरी कीन। डायग्राम एक्सप्लेनेशन विल गो हैंड इन हैंड। एक्सप्लेनेशन के पॉइंट डायग्राम में आएंगे, डायग्राम के पॉइंट एक्सप्लेनेशन में दिखेंगे। ओके, और कुछ पॉइंट नहीं छूटेंगे, राइट। ओके, सी आई यूज कलर पेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम। आई यूज कलर कोड। सी दिस रेड वन, दिस रेड वन आर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड द ब्लू वन आर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। अब ठीक से देखो बच्चों, दीज क्रोमोसोम्स आर अपियरिंग मोनाड, दीज क्रोमोसोम्स आर अपियरिंग इन मोनाड इन अर्ली प्रोफेज। और हमने क्या सीखा कि एस फेज में ही डीएनए कंटेंट डबल हो गया। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया, राइट। इन जीवन द क्रोमोसोम्स आर इन मोनाड स्टेज, वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड इज मोनाड, दीज आर पेयर ऑफ मोनाड। वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड इज डायड, दीज आर पेयर ऑफ डायड। सो एस फेज में मोनाड का कन्वर्जन डायड में हुआ, क्रोमैटिन कंटेंट डीएनए का नंबर डबल हुआ, समझ रहे हो। सो एस फेज में डबल हो चुका है, डायड बन चुके हैं, लेकिन मैंने अर्ली प्रोफेज में मोनाड ही ड्रॉ किए। क्यों? दे आर डायड बट दे आर अपेयरिंग एज मोनाड बिकॉज क्रोमैटिड्स आर लॉन्ग थिन। जस्ट इमेजिन दो बाल हेयर, ओके, ऐसे नजदीक रखे और आपने ऊपर से दूर से देखा, लेस मैग्निफिकेशन पे देखा, तो आपको वो दो बाल एक दूसरे से जुड़े हैं, राइट। ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपने दूर से देखा तो आपके मुझे दो अलग हैंड नहीं दिखाई देंगे। अगर आप मैग्निफाई करके देखोगे तो फिर ये दो हैंड ऐसे समझ में आएगा, राइट। सो हियर इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमोसोम्स आर इन डायड स्टेज बट दे अपियर मोनाड बिकॉज दे आर लॉन्ग एंड थिन एंड इन प्रोफेज नाउ कंडेंसेशन हैज स्टार्टेड।
अर्ली प्रोफेज में अभी तो कंडेंसेशन शुरू हुआ, सो दे आर डायड, बट बिकॉज दे आर लॉन्ग एंड थिन दे आर पियर मोनाड. एज द कंडेंसेशन कंटिन्यू, एज द कंडेंसेशन कंटिन्यू, दे बिकम shorter, thicker, and in late prophase, dyad appear dyad. Rakta part mein ye kuch bola tha? Nahi. Ab details mein ja rahe hai, samajh pa rahe ho na achche se. So, prophase DNA coils become shorter, thicker. DNA condensation occur by dehydration, right? Khud ke saath coil hota jayega, dehydrate hoga. Dehydration matlab water usme se, water molecule usme se bahar niklenge. DNA condenses by dehydration. Because of condensation, it becomes shorter, thicker, and now it is distinctly visible. Compare this diagram with this diagram. देखो यहाँ पे जो DNA है, right? यहाँ पे जो DNA है, chromatin है, isn't it forming network? You cannot see DNA यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. All are entangled. They are mixed, forming network. राइट right? यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये डिस्टिंक्ट, ये और ये, दे आर अपीयरिंग डिस्टिंक्ट. राइट, यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ. व्हाई? बिकॉज डीएनए इज अंडरगोइंग कॉइलिंग, 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 बिकम शॉर्टर एंड थिकर, एंड नाउ दे आर डिस्टिंक्टली विजिबल. बट इन अर्ली प्रोफेज, दो दे आर डिस्टिंक्टली विजिबल, इन अर्ली प्रोफेज डायड अपीयर मोनाड. राइट, कंडेंसेशन कंटिन्यूज. इन लेट प्रोफेज डायड अपीयर डायड. अब देखो आपको समझ में आएगा, ये थ्रेड मैंने थोड़ा थिक ड्रॉ किया है, ये थ्रेड मैंने थिन ड्रॉ किया है. राइट, इसके कंपेरिजन से इसका लेंथ भी थोड़ा कम है, बिकॉज दे आर बिकमिंग शॉर्टर एंड थिकर. तो लेट प्रोफेज डायड अपीयर डायड, क्रोमोजोम कंडेंसेशन स्टिल कंटिन्यू, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर थिकर, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर थिकर, एंड the nuclear membrane nucleolus is disappearing. Nuclear membrane nucleolus is disappearing, and distinct dyad chromosome are scattered in nucleoplasm. ER Golgi body disappearing. At the end of the prophase, ER Golgi body nucleolus are disappeared. Nuclear membrane is also disappeared, but few patches may remain, and the cell will go for transition to metaphase. Transition to metaphase, spindle formation. Spindle formation, जो prophase, late prophase में शुरू हो चुका था, वो spindle अब chromosome को जुड़ना शुरू हो जाएंगे. Right? Chromosomes इधर उधर scattered है. Chromosome इधर उधर scattered है. उनसे स्पिंडल जुड़ना शुरू होंगे, और स्पिंडल क्रोमोसोम को ड्रैग करके मेटाफिजिक प्लेट बनाएंगे. ओके, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड. ओके, इन वन लाइन द सेंट्रोमियर्स आर इन वन लाइन, एंड द आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल. सेंट्रोमियर इज इन वन लाइन एंड द आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल. राइट, ओके, सो दिस इज व्हाट इज मेटाफेज. मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट थिकेस्ट, दे आर अरेंज एट इक्वेटोर. राइट, एंड द स्पिंडल्स आर अटैच टू काइनेटोफोर ऑफ द सेंट्रोमियर, एंड लुक एट द कलर कोड, आई हैव ड्रॉन डॉटेड रेड एंड कंटिन्यूअस ग्रीन स्पिंडल्स. मैंने दो कलर के पेन यूज किए, डॉटेड का रेड स्पिंडल है, बाजू का ग्रीन स्पिंडल है, बराबर. राइट, सो डॉटेड स्पिंडल्स आर अटैच टू पोल एंड क्रोमोसोम. डॉटेड रेड स्पिंडल्स आर अटैच टू पोल एंड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को जो स्पिंडल अटैच है, क्रोमोसोम को जो स्पिंडल अटैच है, वो स्पिंडल को हम बोलेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल. ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल. राइट, और जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है, विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल, लुक एट दिस, ग्रीन इज कंटिन्यूअसली ड्रॉन, राइट, कंटिन्यूअस लाइन, एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम
इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोल टू पोल, तो इसको हम बोलेंगे इंटर पोलर स्पिंडल. Isn't it? In this diagram, you can see two different types of spindle, right? One is chromosomal spindle and other is interpolar spindle. देखो दोनों के काम. Okay, उनका नाम उनके structure से अनुसार है. The spindle which is attached to chromosome is chromosomal spindle. The spindle which is present between the pole is interpolar spindle. Right? Okay. So, spindle formation. स्पिंडल फॉर्मेशन लेट प्रोफेज में शुरू हुआ, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल एग्रीगेट हुए, क्रोमोजोम को जुड़ गए, मेटाफेज में स्पिंडल ने क्रोमोजोम को इक्वेटर पे आके खड़ा कर दिया और मेटाफेज में हमको दो प्रकार के स्पिंडल क्लियरली दिखने लगे. ओके, क्रोमोजोमल स्पिंडल एंड इंटरपोलर स्पिंडल, राइट? ओके, नाउ सेल एंटर इन एनाफेज. नाउ द सेल एंटर्स इन एनाफेज. इन एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट बात सेंट्रोमियर डिवाइड. सबसे इंपॉर्टेंट बात सेंट्रोमियर डिवाइड. सो सी नाउ आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम. सेंट्रोमियर कैसे डिवाइड होता है, देखो ये डायड क्रोमोजोम है, बराबर? ये डायड क्रोमोजोम है, ये इस तरह से यहां पे अरेंज है, बराबर? थोड़ा थोड़ा डायग्राम ठीक से उतार रही हूँ आपके डायग्राम को रिलेट करके. दे आर अरेंज एट इक्वेटर लाइक दिस, बराबर? दिस टू सिस्टर. तो ये क्रोमोसोम का ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड. Isn't it? क्रोमोसोम की लेंथ ऐसी है, वो सो रहा है इक्वेटर पे आधा पड़ा है. ओके, दिस इज लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. इट इज लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. इट इज अटैच टू स्पिंडल. इट इज अटैच टू स्पिंडल. अब ये स्पिंडल ये क्रोमोसोम को खींचेगा. स्पिंडल क्रोमोसोम को खींचेगा तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा. सेंट्रोमियर विल डिवाइड. हाउ सेंट्रोमियर कैसे डिवाइड होगा? सेंट्रोमियर ऐसे डिवाइड होगा कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए. तो ये सेंट्रोमियर इसके ये लेंथ है ना इसकी, ये लेंथ के अनुसार ऐसे डिवाइड होगा. तो सेंट्रोमियर डिवाइड लेंथ वाइज. सेंट्रोमियर डिवाइड लेंथ वाइज, right? And you get two sister chromatids. You get two sister chromatids separate to form daughter chromosome. Separate to form daughter chromosome. Okay, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो. 1, 2, 3, 4. आपके पास चार डायड थे, आठ क्रोमैटिड थे. अब सारे के सारे सेंट्रोमियर लेंथवाइज डिवाइड हो गए. तो हमको यहाँ पे चार मल्टीप्लाइड बाय टू, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमको 8 डॉटर क्रोमोसोम्स मिलेंगे. हमको 8 डॉटर क्रोमोसोम्स मिल गए. तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट बिकॉज द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमैटिड गिव्स यू डॉटर क्रोमोसोम. एंड सिस्टर क्रोमैटिड गिव्स यू डॉटर क्रोमोसोम, राइट? सो नाउ एनाफेज की पहली पेक्युलैरिटी. एनाफेज की पहली पेक्युलैरिटी द सेंट्रोमियर डिवाइड लेंथवाइज, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट टू प्रोड्यूस डॉटर क्रोमोसोम, राइट? आधे इधर जाओ आधे ऊपर उधर जाओ. 50% क्रोमैटिड, 4 के 8 हो गए, राइट? उसमें से 50% 4 ऊपर गए 4 नीचे गए. ओके, अब वॉट एवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर समझ लो यहाँ पे 10 डायड होते थे, ठीक से सुनो, यहाँ पे राइट नाउ 4 डायड है, तो 4 के 8 हुए और 50% ऊपर 50% नीचे. समझ लो यहाँ पे 10 डायड होते थे, 10 डायड क्रोमोसोम होते थे, तो इसके पास 10 to the 20 डॉटर क्रोमोसोम होते थे. 10 माइग्रेट टू अपर पोल, 10 माइग्रेट टू
लोअर पोल। सो इजंट इट एनाफेज में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, राइट। दिस स्पिंडल क्रोमोसोमल स्पिंडल इज पुलिंग, पुल और पुश में डिफरेंस समझता है ना। दिस क्रोमोसोमल स्पिंडल इज पुलिंग द, इट इज पुलिंग द क्रोमोसोम अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ये क्रोमोसोमल स्पिंडल पुलिंग का प्रेशर जो अप्लाई करता है वो पुलिंग प्रेशर सेंट्रोमियर के पास अप्लाई करता है। बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर दे अपीयर इन दिस पर्टिकुलर शेप। ओके, समझ लो आई एम अ क्रोमोसोम। ओके, मेरा सिस्टर क्रोमेटिड, वन मोर अवनी स्टैंडिंग हियर, वी आर होल्डिंग आवर हैंड्स। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड टू अवनी होल्डिंग हैंड स्टैंडिंग इन मेटाफेज। एनाफेज में स्पिंडल से हम जुड़, मैं इधर जुड़ गई, मेरा क्लोन उधर जुड़ गया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। नाउ आई एम सेइंग बाय टू माय क्लोन अवनी, राइट। शी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। व्हाई आई एम मूविंग? बिकॉज द स्पिंडल इज ड्रैगिंग मी। सो ऑब्वियसली द वे आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, इधर से अगर मुझे पीछे खींचा जाएगा तो आई विल अपीयर लाइक वी शेप। क्रोमोसोम्स शेप इज क्लियरली विजिबल इन एनाफेज बिकॉज दे आर ड्रैग्ड। अब थोड़ा अच्छे से याद करो, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम विल अपीयर वी शेप। अगर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम विल अपीयर एल शेप। लुक एट दिस। अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो दूसरा आम बहुत छोटा रहेगा, इट विल अपीयर जे शेप्ड। एंड टेलोसेंट्रिक है तो इट विल अपीयर आई शेप्ड। ये हमने सेल चैप्टर में सीखा था। गॉट इट, राइट। सो नाउ द क्रोमोसोम स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अपोजिट पोल, रीच टू अपोजिट पोल। ओके, दिस ग्रुप आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एज दे रीच टू अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गॉल्गी बॉडी reappear, that is टेलोफेज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। ऐसे तो रट्टा मारा था, जो जो प्रोफेज में होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट टेलोफेज में होता है। चलो याद करते हैं, प्रोफेज में क्या हुआ? डीएनए कॉइल, यहाँ पे क्रोमोजोम अनकॉइल। डीएनए कॉइल टू प्रोड्यूस क्रोमोजोम, यहाँ पे क्रोमोजोम अनकॉइल टू प्रोड्यूस लॉन्ग थिन थ्रेड्स, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गॉल्गी बॉडी डिसॉल्व, हियर इट रिफॉर्म रिजॉल्व, राइट। यहाँ पे हमको क्रोमोजोम दिखना शुरू हो गए, यहाँ पे उनका दिखना बंद हो गया, क्रोमोजोम्स रिजॉल्व, क्रोमोजोम्स डिसॉल्व, राइट। द सेल इज विथ टू न्यूक्लियाई, द सेल इज विथ टू न्यूक्लियाई एंड द सेल इज नाउ गोइंग फॉर साइटोकाइनेसिस। डिविजन ऑफ न्यूक्लियस ओवर, नाउ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। अगर आप बोर्ड पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप मुझे बोलो, ये जो मैंने माइटोसिस ड्रॉ किया है ये प्लांट सेल का है कि एनिमल सेल का? प्लीज रीड द कंटेंट विच आई रोट ऑन द बोर्ड। वेरी करेक्ट, फ्यू मस्ट हैव नोटेड टिल नाउ। कुछ लोगों ने अभी अभी ढूंढा है, झूठ मत बोल। कुछ लोगों ने देखते बराबर नोट कर लिया, आई हैव रिटन इट इज माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल। नाउ रिकलेक्ट, प्लांट सेल डोंट हैव सेंट्रोसोम, सो आई हैव नॉट ड्रॉन सेंट्रोसोम। अंडरस्टूड, राइट। सेंट्रोसोम हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रोसोम की मदद होती है, बट सेंट्रोसोम्स आर नॉट कंपल्सरी, सेंट्रोसोम्स आर नॉट कंपल्सरी फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, स्टिल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अकर्स। इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन। सो एज आई हैव नॉट ड्रॉन सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स,
It is a plant cell and it is a mitosis of plant cell. Very good observation, those who could do it. Right, chalo. Plant cell ne mitosis, telophase mein aa gaya. So, plant cell ka outer wall rigid cell wall hai, bhulo nahi. Plant cell ke baju mein rigid cell wall hai. अब अगर रिजिड सेल वॉल है तो इसका शेप तो अल्टर हो नहीं सकता. सेल वॉल इज कीपिंग द सेल विथ फिक्स शेप. तो अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? सो रिमेंबर इन लेट एनाफेज द फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन स्टार्ट विच लीड टू सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड सेल प्लेट डिवाइड द साइटोप्लाज्म. याद आ रहा है? We discussed in chapter cell, phragmoplast develop into cell plate, cell plate develop into middle lamella. So phragmoplast ka development late anaphase mein shuru hoga, lekin dikhega telophase mein. Dikhega telophase mein, barabar. So ab dekho, hum phragmoplast kaise draw karenge? Small tubuline will aggregate, spindle ne क्रोमोसोम को पुल किया, क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल, स्पिंडल का काम हो गया. स्पिंडल का काम था क्रोमोसोम को नीचे पीछे पुल करना, वो काम हो गया. अब स्पिंडल डिसॉल्व हो गए. स्पिंडल मतलब एक ट्यूब्यूलिन जुड़ गया तो स्पिंडल फाइबर बना. अब ये फिर से बिखर गया ऐसे अलग अलग, तो यही ट्यूब्यूलिन यहाँ पे आके एग्रीगेट होंगे. यही ट्यूब्यूलिन यहाँ पे आके एग्रीगेट होंगे, राइट. फ्रैगमोप्लास्ट बनना शुरू होगा. फ्रैगमोप्लास्ट पे केमिकल का डिपोजिशन होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनेगा, ओके. और फिर सेल प्लेट ग्रो होगी. सेल प्लेट ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, प्रोसीड टुवर्ड्स पेरिफेरी, दैट इज सेंट्री पेटल मूवमेंट. Start from the center, move towards the periphery. Cell plate moves centripetally. Cell plate grow centripetally. And ultimately it joins here. And you get one cell, two cell. This is end of plant mitosis. Cell plate formation. सेंटर से शुरू हुआ, मूविंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी. फिजिक्स में शब्द सीखते हो, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल. सेम सेंटर पे सेल प्लेट फॉर्मेशन ग्रो हो रही है पेरिफेरी की तरफ. सो द डेवलपमेंट ऑफ सेल प्लेट इज सेंट्रीफ्यूगल विच कंटिन्यू रीच टू बोथ द एंड्स एंड दिस इज टोटल मिडल लैमेला फॉर्मेशन. मिडल लैमेला फॉर्मेशन हो गया. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही था, स्ट्रेचेबल था, इलास्टिक था, तो ये ऐसा एक दूसरे से जुड़ जाएगा. तो हमको साइटोकाइनेसिस के बाद सेल नंबर वन, सेल नंबर टू मिल गए. इजंट इट माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल. ममा सेल प्रोड्यूसेस टू बेबी सेल genetically exactly similar. This is equational division.